हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और आज है मेरा फेवरेट दिन थर्सडे, क्योंकि अब वीकेंड शुरू हो गया, कल फ्राइडे है। फ्राइडे को वैसे ही कोई काम नहीं करता है, आधा दिन माना जाता है उसको। सैटरडे संडे छुट्टी, आराम से पिएंगे आज, मज़े करेंगे। और अगर आप नहीं पी पा रहे हो कोई बात नहीं भाई, एमबीज मैन केव तो रोज़ ही आ रहा है। 30 days 30 videos, वी आर डूइंग इट एवरी डे। और मुझे पता है आप में से कई लोगों जो भाई रुक नहीं पाते वीडियो देख के, बॉटल खोल ही देते हो। कोई बात नहीं, हम आपके साथ साथ भाई भी पिएगा। आज के बियर थर्सडे में हम कर रहे हैं रिव्यू किंगफिशर अल्ट्रा बियर का। भाई किंगफिशर अल्ट्रा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और थोड़ा टाइम हो गया इसके बारे में बात करे हुए। आई थिंक बियर की जो मार्केट है इंडिया के अंदर, इट हैज़ गॉन थ्रू अ कम्प्लीट रेवोल्यूशन। इतनी सारी बियर्स आई, हमने देखा पिछले 2 साल पहले तक कोविड के टाइम में स्पेशली इतनी सारी नई बियर आई, और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल में कितनी सारी बियर चली भी गई। बट वन नेम दैट स्टैंड्स एंड हैज स्टिल रूलिंग इज किंगफिशर। देखो ऐसा कई बार होता है कि जब कुछ नया आता है लाइफ में तो हम जो पुराने वाले होते हैं ना उनको भूल जाते हैं। हमें लगता है कि वो जो नए वाले में जो बात है वो पुराने वाले में कहाँ, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। और हम बाबी टू के चक्कर में हम नई नई तरह की बियर में इतने मस्त हो जाते हैं कि जो पुरानी बियर्स जो इतने सालों से चल रही हैं, अभी जूते बढ़ जाते हैं मुझे, हम जो पुरानी बियर है उनको भूल जाते हैं। लेकिन आई फील दैट किंगफिशर अल्ट्रा इन टूडेज बियर लैंडस्केप डेफिनेटली डिजर्व्स अ प्लेस। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में मुझे बताइए कमेंट्स में। अब हम बात कर रहे हैं किंगफिशर बियर की, किंगफिशर की लेगेसी की। तो शायद एक क्वेश्चन आएगा कि यार किंगफिशर अल्ट्रा बियर ही क्यों चूज़ करी मैंने, किंगफिशर की दूसरी और जो बियर्स आती हैं वो क्यों नहीं चूज़ करी। जैसे किंगफिशर प्रीमियर जो है, इट इज़ प्रॉब्ली अ लॉट मोर आइकॉनिक देन दिस। बट मेरा मानना है कि जैसे हर एक कंट्री की एक स्टेपल लागर बियर होती है जो उस कंट्री के लिए फेमस है। जैसे यूएसए से बडवाइजर है, इंडिया में भी बनती है बट है यूएसए की। यूरोप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ट्यूबर्ग फेमस है, हाइनिकन फेमस है। अगर हम ईस्ट में आएँ तो थाईलैंड की चैंग बियर बहुत फेमस है, सिंगापुर की टाइगर बियर फेमस है, चाइना में चिंगडाओ बियर है, जापान में असाही बियर है। देर ऑल लागर बियर्स। और ऐसा नहीं है कि उस कंट्री का कुछ अलग सा फ्लेवर उसमें डाला गया। अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ना इन सारी बियर्स को, दे विल ऑल टेस्ट वेरी सिमिलर। और अगर मुझे लगता है कि अगर हमें इंडिया से एक लागर बियर को नॉमिनेट करना हो कि भाई दिस लागर बियर विल रिप्रेजेंट इंडिया, देन आई विल चूज किंगफिशर अल्ट्रा। फर्स्ट, इट इज़ अ वेरी क्लीन बियर। इसमें कोई भी आफ्टर टेस्ट, बिटर आफ्टर टेस्ट नहीं है। कोई भी ऐसे इंग्रीडियंट्स नहीं यूज़ करेगा जिसको लिख लगेगा कि यार ये क्या यूज़ कर दिया बियर के अंदर। इट इज़ अ नाइस रिफ्रेशिंग बियर। इट हैज़ टेस्टेड अगेंस्ट द टाइम्स, बिकॉज एक जो क्वालिटी होती है बियर के अंदर उसे मेंटेन करना मुश्किल होता है। इट हैज़ मेंटेन दैट क्वालिटी ओवर द लॉन्ग टर्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये हर जगह पर अवेलेबल है। आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपने एक बार इसका टेस्ट डेवलप कर लिया, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ आपको प्रीटी मच मिल ही जाएगी ये। बहुत ही कम जगह होती है जहाँ पर ये बियर आपको नहीं मिलेगी। एंड फॉर मी दीज थ्री फैक्टर्स मेक अ बिग बिग डिफरेंस। यूजली आई प्रेफर हैविंग अ बियर वेन एवर आई स्टार्ट ड्रिंकिंग। मैं पहले एक बियर पीता हूँ, आराम से मज़ा आता है, ठंडी ठंडी बियर अंदर जाती है, उसके बाद थोड़ा सा एपेटाइट बढ़ता है और पीने का। एंड फॉर मी आई थिंक वन ऑफ द स्मूदेस्ट बियर, द मोस्ट रिलैक्सिंग बियर आई कैन गो फॉर विदाउट थिंकिंग ट्वाइस इज किंगफिशर अल्ट्रा। अगर मैं किसी बार में गया हूँ और वहाँ पर मुझे कोई बियर पीनी है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप भाई इतने पैसे खर्च करके कोरोना पी रहे हो, आपको टेस्ट वही चीज़ मिल रही है, कुछ अलग नहीं मिल रहा है। आई गो फॉर किंगफिशर अल्ट्रा क्योंकि मुझे लगता है कि यार इट्स द सेम अमाउंट, मतलब आपको सेम क्वालिटी मिल रही है बट आपको इतने पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं इम्पोर्टेड बियर वाले, बट यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी ऑफ बियर। दिल्ली NCR में अराउंड 80 rupees का पाइंट है ये, ऊपर नीचे हो सकता है 5-10 rupees आप अलग अलग सिटीज़ के अंदर, बट आई थिंक this is not overpriced, this comes at a pretty good standard price. It is refreshing, crisp, light beer hai. Yes, jisne logo ko strong beer pasand hai, light beer pasand nahi hai, shayad un logo ke liye wo unko wo maza nahi aayega, but to me I like having light beer. Bhai mujhe agar proper drink karni ho then I would probably drink spirit. For beer I usually go for something which is light, 5% 6% tak main pi leta hu, but मुझे वो सुपर स्ट्रॉन्ग बियर्स इतनी ज़्यादा
मज़ा नहीं देती। बट इसका एक किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स भी आता है, आई डोंट रिमेंबर कि हमने उसका रिव्यू किया है कि नहीं किया। अगर आप देखना चाहती हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं कोशिश करूँगा अगले आने वाले हफ्ते में उसका भी रिव्यू करूँ। बट फिलहाल चलिए बोतल ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। ओके, वन थिंग विच आई थिंक, आई डोंट नो अगर इतना मैटर करता कि नहीं करता, कि इसके अंदर जो ये टैप दिया ओवन ओपन करने वाला, एक तो कन्वीनियंट बहुत है और दूसरा इसका मज़ा भी बढ़ाता है। और बियर एज यू कैन सी इट्स वेरी क्रिस्प, लाइट बियर है इसके अंदर। इसके अंदर मॉल्ट यूज़ करा गया है, ऑब्वियसली हर बियर में यूज़ करा जाता है मॉल्ट, बिना मॉल्ट के बियर नहीं बनती। और दूसरी जो चीज़ यूज़ करी गई है, इसमें यूज़ करी गई है राइस। अब राइस एक तरह का एक एडेड चीज़ होती है बियर के अंदर, आपने उसको जस्ट टू गिव योर बियर सम क्रिस्पीनेस, सम वॉल्यूम, आप उसके अंदर राइस डालते हो। यूजली लाइट बियर के अंदर ज़्यादा होता है ये, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि आप अगर मॉल्ट डालोगे तो उसकी जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ेगा, बियर आपको ज़्यादा ब्लोटिंग करेगी अगर सिर्फ और सिर्फ मॉल्ट यूज़ करा गया है। डैट डजेंट मीन कि मॉल्ट वाली बियर अच्छी नहीं होती है, उसका भी बड़ा मज़ा है भाई, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। बट दिस इज़ अ लाइट बियर, तो आपको इसको पी कर वो ब्लोटिंग नहीं फील होनी चाहिए, एंड दैट इन दैट आई थिंक इट डेफिनेटली सक्सीड्स। चलिए टेस्ट करते हैं। अमेजिंग। मैंने अभी तक शायद इस बियर की 1000 से ज़्यादा पाइंट पी ली होंगे अभी अपनी लाइफ टाइम के अंदर, एंड एवरी टाइम इट टेस्ट प्रीटी मच द सेम। इट हैज़ दैट नाइस रिफ्रेशिंग सिट्रसी हॉपी टेस्ट, बिट ऑफ मॉल्ट, सुपर डुपर क्रिस्पी, अ बिट ऑफ ब्रेडीनेस दैट यू फील। बिल्कुल भी आफ्टर टेस्ट बेटर नहीं है। जो हॉप्स यूज़ करे गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हॉप्स यूज़ करे गए हैं। अब आप जो किंगफिशर प्रीमियम बियर है और इसके अंदर जो डिफरेंस है ना, वो यही है कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं, जो हॉप्स यूज़ करे गए हैं, जिस तरीके का मॉल्ट यूज़ करा गया है, वही टेस्ट को डिफरेंशिएट करता है। एंड टू मी जो मॉल्ट इसमें यूज़ करे गए हैं, जिस तरीके का जो हॉप्स यूज़ करे गए हैं, दे मैच दैट इंटरनेशनल क्वालिटी। देखो भाई, वो सीधी सी बात है, कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये बियर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दे लाइक स्ट्रॉन्ग बियर, दे लाइक IPA, दे लाइक स्टाउट बियर, उनको कुछ अलग तरीके की बियर्स पसंद है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आई वुड नॉट से दैट दिस इज़ माई फेवरेट बियर ऑफ ऑल टाइम, बहुत सारी ऐसी बियर हैं जो मुझे बहुत पसंद है, बट एट द सेम टाइम टू मी दिस इज़ द मोस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बियर विच आई कैन ड्रिंक। मैंने ऐसी बियर्स भी पी हैं, मैं अगेन आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स, बट ऐसी बियर्स भी पी हैं जो मैं पीता हूँ आज और मैं उनको दोबारा ख़रीदने जाता हूँ तो उसका फ्लेवर चेंज हो जाता है, और उसमें बॉक्स में लिखा भी होता है नाउ इट कम्स विद दिस फ्लेवर, लाइम फ्लेवर, ये वाला फ्लेवर, वो वाला फ्लेवर, पूरी रेसिपी चेंज हो जाती है। बट दिस हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, विच इज़ वेरी वेरी कमेंडेबल। एक अच्छी बियर बनाना एक बात होती है, उसको कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना इज अनदर थिंग, एंड फॉर मी दैट्स व्हाई आई रियली रियली लाइक किंगफिशर। इट इज़ ऑलवेज देयर इन माय बार, टू मी इट इज़ वन ऑफ माय गो टू बियर्स ड्यूरिंग दिस सीजन। खैर, आप लोगों की क्या राय है मुझे बताइए, किंगफिशर अल्ट्रा क्या आप लोगों को अभी भी पसंद है या बिल्कुल पसंद नहीं है, या आप कोई और लागर बियर पीते हो? भाई मैंने बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, पिछले साल में मैंने कुछ नई बियर्स ट्राई नहीं करी ज़्यादा, तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स में कि कौन सी नई बियर्स आई हैं जो मुझे ट्राई करनी चाहिए, जिनको मुझे चैनल पर लेकर आना चाहिए, उसका रिव्यू करना चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब मैं कोशिश करूँगा कि नई नई बियर्स भी ट्राई करूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राइंग इट, बट आप लोग सजेस्ट करिए मुझे, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैच पियो।